बड़ी अच्छी स्कीम है टॉपसिम सीमेंट ने जो स्कीम की है मेजन्स के लिए, जो मदद करने के लिए, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया, कपूर साहब ने बताया कि जब बरसात होती है तो फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उससे फिर जो मेसन्स होते हैं, जो डेली वेजर्स होते हैं, उनको तकलीफ़ें होती है। तो इसीलिए जो इन्होंने ये जो स्कीम की बनाई है वो तो बड़ी अच्छी स्कीम है, जिससे मेसन्स को मदद मिल सकती है। हर एक पॉइंट के साथ उनको कुछ फिनेंशियल इंसेंटिव भी है, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी स्कीम है। देखिए, बहुत अच्छी कप्तानी की उन्होंने, ही इज़ कैप्टन रियली वेल इन दी IPL। नोबडी हैड सीन हिम एज अ कैप्टन बिफोर, दे हैड सीन हिम एज एन ऑलराउंड प्लेयर, एंड आई थिंक एट द स्टार्ट ऑफ द IPL द मेन कंसर्न मोर देन हिज कैप्टनसी वॉज वेदर ही विल बी एबल टू बोल, बिकॉज यू नो व्हेन ही बोल्स ही गिव्स दैट जस्ट दैट डेप्थ दैट इंडियन टीम वॉन्ट्स बैटिंग एट 5, 6 or 7 विच एवर नंबर दैट द कैप्टन विल गिव हिम, द इंडियन कैप्टन। बट ओवर दी एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेस, जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस होने लगी, तो लोगों ने देखा कि इनकी कप्तानी भी बॉलिंग तो करने लगे, बैटिंग में तो खुद को जिस तरह से उन्होंने प्रमोट किया वो भी एक कप्तानी की चाल होती है। तो जिस तरह की उन्होंने चालें खेली पूरी टूर्नामेंट में, और जिस तरह से बॉलिंग चेंजेस किए, जिस तरह से फील्ड प्लेसिंग की, जिस तरह से उन्होंने बर्ताव किया, कि कभी कभी ऐसा लगा कि उन्होंने MS धोनी से काफ़ी कुछ सीखा है, जैसे कि शांत रहना चाहिए, ज़्यादा इमोशन नहीं दिखाना चाहिए। और इसी से बड़े इम्प्रेसिव सारे, मतलब मैं ही नहीं पर जो भी कोई सीनियर क्रिकेटर जो थे हमारे साथ, जो कमेंट्री करने वाले भी थे, जो परदेश के लोग थे, उनको बहुत उन्होंने इम्प्रेस किया। और इसी से आशा बढ़ती है कि देखिए, पहली टूर्नामेंट है उनकी कप्तानी से, और पहली टूर्नामेंट में अगर आप खिताब जीतते हैं तो फिर प्रशंसा तो होगी। तो वैसा हम सब ने देखा है, और हम सब यही आशा करते हैं कि उनकी कप्तानी भी इसी तरह से अच्छी तरह से प्रोग्रेस हो जाए। देखिए, मौका मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा। टॉपसिम सीमेंट, आपने जैसा कहा कि आपकी जो सारी टूर्नामेंट्स होती है वो काफ़ी बार स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वैसा अगर कैंप होगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। पर मुझे लगता है कि मेरा जो कनेक्शन उनके साथ बनेगा, आज की जो युवा खिलाड़ी है, वो शायद उतना नहीं होगा जैसा कि अभी जो रिटायर हुए उनका कनेक्शन होगा। पर फिर भी मैं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा। मेरा जो अनुभव है वो उनको मैं बताऊँगा, उनसे अगर वो कुछ सीखे और आसाम क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट को उससे मदद मिले तो बहुत ही खुश होऊँगा मैं। देखिए, मैं उनको इतने ज़्यादा मौके मिले नहीं नंबर ऊपर खेलने के लिए, पर जो भी उन्होंने फील्डिंग दिखाई बहुत ही अप्रतिम फील्डिंग थी। बहुत कैचिंग तो उनकी बेहतरीन कैचिंग है, बड़े आसानी से कैचेस पकड़ते हैं, मुश्किल कैचेस भी आसान दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको मेहनत करनी चाहिए, और जो भी मौके मिलेंगे तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। थैंक यू।